गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ टुडे दिस इज द सेकेंड पीरियड सेकेंड सेशन फॉर द चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द टुडे सेशन। टुडेज वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन एंड व्हाट आर दोज फैक्टर्स, नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सो दीज आर द फोर फैक्टर्स एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल लर्न अबाउट द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट फैक्टर दैट इज द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर किस तरीके से बच्चों एडजॉर्प्शन को इफेक्ट करता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि सरफेस एरिया। आप जानते हो कि अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है और वो सॉलिड सब्सटेंस का जो सरफेस एरिया है और उसी को जब आप पाउडर्ड कर दोगे ऑब्वियसली सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगी, और लार्जर द सरफेस एरिया, ग्रेटर द सरफेस एरिया, मोर विल बी द चांसेस फॉर द एडजॉर्प्शन। जो एडजॉर्प्शन का साइट्स है वो बढ़ जाएगा, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से ज़्यादा आकर वहाँ पर क्या होंगे, एड्जॉर्ब्ड होंगे। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने से बच्चों रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है, ये पहली बात आ गई। यानी जो आपका एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस एरिया पे, यानी कि अब आप कह सकते हो सॉलिड फॉर्म और पाउडर फॉर्म, विच फॉर्म ऑफ एडजॉर्बेंट इज मोर गुड फॉर एडजॉर्प्शन, दैट इज द पाउडर फॉर्म। और उसके अंदर अगर पोरोसिटी हो, पोरस हो, होल्स हो, तो वो साइट्स और ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हैं एडजॉर्प्शन के लिए। तो इसलिए अब कह सकते हो कि सॉलिड सब्सटेंस को पोरस बना दो या उसको पाउडर कर दो तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जाएगा और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट द एक्टिवेटेड चारकोल। नाउ देयर इज वन क्वेश्चन राइजिंग इन आवर माइंड, व्हाट इज चारकोल एंड व्हाट इज एक्टिवेटेड चारकोल। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। चारकोल बच्चों क्या होता है, व्हेन वुड इज हीटेड, वुड को जब हीट करते हो तो जो आपको फॉर्म ऑब्टेंड होता है कार्बन का, दैट इज कॉल्ड चारकोल। यहाँ पर देख लो, इट इज़ अ जनरल फॉर्म ऑफ चारकोल, ये चारकोल का जनरल फॉर्म है। नाउ सी व्हाट इज हैपनिंग व्हेन इट इज़ हीटेड, हाई टेम्परेचर पे जब आप इसको हीट करोगे बच्चों तो क्या होगा, उसका जो फॉर्म है वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोरस नेचर आ जाएगा और साइट्स इंक्रीज कर जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर देख लो, ये है एक्टिवेटेड चारकोल। इसको और ज़्यादा अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे तो यहाँ पे इसकी पोरोसिटी आपको नज़र आ रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है ये पूछा जाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बाय हीटिंग ऑर्डिनरी चारकोल टू वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हीट करने से क्या होता है, एलिमेंट्स और जो कंपाउंड्स है जो बाउंडेड होते हैं किसके साथ, कार्बन एटम के साथ, वो रिमूव द सरफेस, वो बाइंडिंग जहाँ पर वो बाइंडिंग साइट्स है उनकी कार्बन एटम के साथ उसको रिमूव कर देते हैं और दैट बाइंडिंग साइट बिकम्स फ्री। वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, जिससे कि इनकमिंग जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है वो ईजिली एड्जॉर्ब हो सकते हैं। आगे बात समझ में, तो एक्टिवेटेड चारकोल के पास दो नेचर बहुत आसानी से आ जाता है। पहला, वो ज़्यादा से ज़्यादा पोरस हो जाता है और उसकी सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाती है। आगे बात समझ में, तो और एक्टिव चारकोल को एक्टिवेटेड कैसे किया जाता है, बाय हीटिंग, हीट करके हाई टेम्परेचर पर हम उसको कर सकते हैं एक्टिवेटेड। अब जैसे देख लो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, 80 स्पून ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल कंटेंस अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल फील्ड के बराबर का सरफेस एरिया उसके पास होता है। तो समझ लो कितना ज़्यादा उसके पास कैपेसिटी है एड्जॉर्ब करने की। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द पोरोसिटी, उसके पास पोरस नेचर आ जाता है, उसके सरफेस पे होल्स हो जाते हैं जैसा कि अभी आपको हमने पिछले स्लाइड में दिखाया था। आपको यहाँ पर हमने दिखाई, ये देखिए, ये है पोरोसिटी। इज इट क्लियर, यहाँ समझ में आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से जो आपका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें सरफेस एरिया और पोरोसिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो एड्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। और यहाँ पर हमने डिस्कस किया एक्टिवेटेड चारकोल की, और चारकोल हाउ इट इज़ एक्टिवेटेड बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है ना। अब नाउ नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, अब बच्चों जो गैस एड्जॉर्ब्ड होने वाला है सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट पर उसका नेचर कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली देखो, जो गैस बच्चों एड्जॉर्ब होता है तो अगर वो गैस ईजिली लिक्विफिबल है, यानी उसकी क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, हाई है, तो
वो आसानी से एड्सॉर्ब होगा। अब हम बात ज़रा से यहाँ करेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर की, एक्चुअल में क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, क्योंकि जब तक हम उस क्रिटिकल टेम्परेचर को नहीं समझेंगे हम आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहला है बच्चों, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? इट इज़ अ टेम्परेचर एट एंड एबव विच वेपर ऑफ द सब्सटांस कैनॉट बी लिक्विफाइड। ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर अब आप वेपर को कंडेंस नहीं कर सकते, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और ऐसा होने का मतलब क्या है? देखो बच्चों, जब आप कहते हो कि गैस को हमने लिक्विफाइड किया, समझने की कोशिश करो, इसका मतलब है कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोज आते हैं, वहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो अभी काम कर रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर अचीव हो जाता है गैस को लिक्विफाई करना मुश्किल है। वाई? बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स दैट मेक अप द गैस ऑल्सो इंक्रीजेस। और इससे क्या होता है, बियॉन्ड दिस टेम्परेचर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स बिकम्स नेग्लिजेबल। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जब आप चले जाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्लिजेबल हो जाएगा। अब चाहे आप जितना भी प्रेशर उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल दो, वो अब फाइनली उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो गैसियस मॉलिक्यूल्स क्लोज नहीं होने वाले हैं। अल्टीमेटली जब सिचुएशन ऐसी हो जाए कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर नाउ नॉट इन द इम्पैक्ट ऑफ द अप्लाइड प्रेशर, इट मीन्स दे कैनॉट बी एड्सॉर्ब, उसको एड्सॉर्ब करना मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या है कि एड्सॉर्प्शन और क्रिटिकल टेम्परेचर को जरा कोरिलेट करते हैं। एड्सॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द एडहेसिव फोर्स, किसके बीच में लगता है? एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल में। और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में किस तरह का फोर्स लगता है? कोहेसिव, यानी कि आपस में उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है। अब क्या होता है कि मोर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मोर वुड बी द फिजिकल एड्सॉर्प्शन। अब बच्चों सरफेस फिनोमिनन है, सरफेस फिनोमिनन में गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे और एड्सॉर्बेंट के सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन, अगर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो तो एड्सॉर्प्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। होता क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेज एबव क्रिटिकल टेम्परेचर हैव सफिशियंट काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब अगर मॉलिक्यूल्स जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर अगर हम देखें तो उनके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम कर देते हैं। और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करने के लिए उनके पास कैपेसिटी है, इट मीन्स दे आर नॉट डिजायर्ड फॉर एड्सॉर्प्शन। तो गैसेस मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना है। क्रिटिकल टेम्परेचर कहीं ना कहीं रिलेटेड है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को बताने वाला। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब है हमारे पास लॉन्ग रेंज है टेम्परेचर का, जिस रेंज ऑफ टेम्परेचर में हम उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को प्रेशर के द्वारा लिक्विफाइड कर सकते हैं। यानी कि उस लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो गैसियस मॉलिक्यूल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो अभी भी इफेक्टिव हैं, और बियॉन्ड दैट टेम्परेचर नाउ दे आर ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट। हायर क्रिटिकल टेम्परेचर आर डिजायर्ड, किसी भी गैस को एड्सॉर्ब होने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हायर होनी चाहिए, डिजायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस फॉर लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मान लो किसी गैस की 430 है, किसी गैस की 200 है, तो 430 गैस की जैसी क्रिटिकल टेम्परेचर, इसका मतलब है कि अप टू द 430 केल्विन तक आप उस गैसियस मॉलिक्यूल के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो रेंज में है जिसको हम लिक्विफाइड कर सकते हैं, जिसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट कर सकते हैं और वो हमारा एड्सॉर्ब हो सकता है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप देखो तो अगर 1 ग्राम आप एक्टिवेटेड चारकोल का ले लो तो वो एड्सॉर्ब करता है सल्फर डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है, सल्फर डाइऑक्साइड का 630, एक्चुअली 430 केल्विन। आप एक टेबुलर फॉर्म में दिखाते हैं, जस्ट सी हियर, डिफरेंट गैसेस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड।
आप उनके क्रिटिकल टेम्परेचर को देख सकते हैं, 33 केल्विन है, 4.7 मिलीलीटर एड्जॉर्ब होता है। उसी तरीके से आप सल्फर डाइऑक्साइड का 430 देखो, 380 मिलीलीटर थे, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है। इसका मतलब है कि लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर तक उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, जस्ट आफ्टर 33 केल्विन उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होंगे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको ओवरकम कर लेगा, वो एड्जॉर्ब होगा ही नहीं, उस पर प्रेशर का इम्पैक्ट आएगा ही नहीं, जबकि यहाँ पर आपके पास लॉन्ग रेंज है। तो इसीलिए कहा गया है, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर द गैस इज ईजिली लिक्विफाइड और रेडली एड्जॉर्ब। गैस, अगर गैसियस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब्ड हो रहा है तो उस पर प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा बच्चों? पहली बात, एन इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द एड्जॉर्बेड गैस इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी सरफेस के ऊपर गैसियस मॉलिक्यूल है, सपोज करो आप इसको इस तरीके से देखो, आप सपोज करो कि यहाँ सॉलिड सब्सटेंस है हमारा ये, और इसके चारों तरफ दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल प्रेशर अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है नंबर ऑफ हाई प्रेशर का मतलब क्या हो गया, हाई प्रेशर का मतलब हो गया कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा है यानी कि पार्टिकल्स क्लोज होंगे, और जब पार्टिकल्स क्लोज होंगे तो यहाँ एड्जॉर्ब होने की कैपेसिटी या एड्जॉर्ब होने का जो एक्सटेंट है वो बढ़ जाएगा। तो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ एड्जॉर्बेट गैस, गैस का अगर प्रेशर आप बढ़ाते हो जो एड्जॉर्बेट है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा। दूसरी बात कर लो, लो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर लो होगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीज। स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो जो मॉलिक्यूल्स एड्जॉर्ब्ड होंगे उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, अदरवाइज डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, वो सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाएंगे, और एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आई बात समझ में? तो लो टेम्परेचर पर आपको एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। एट लो प्रेशर व्हाट हैपेंस, द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अगर प्रेशर लो है तो उस कंडीशन में जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है यानी कितना एड्जॉर्प्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर थोड़ा प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन का एक्सटेंट बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो घटेगा। आगे बात समझ में? हाई प्रेशर पे क्या होगा, क्लोजर टू द सैचुरेशन वेपर प्रेशर ऑफ द गैस द एड्जॉर्प्शन टेंड्स टू अचीव अ लिमिटिंग वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस, अगर प्रेशर अगर आपने बढ़ा दिया, हाई प्रेशर कर दिया, तो वंस द मॉलिक्यूल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स गेट्स एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट व्हाट विल हैपन, द सैचुरेशन स्टेट इज अचीव्ड और उसके बाद एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में? तो क्या है कि एड्जॉर्प्शन में सरफेस फिनोमिनन है, धीरे 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 हाई प्रेशर पे सारे मॉलिक्यूल्स अगर ऑक्यूपाइड कर ले स्पेस को, फर्दर देयर इज नो वैकेंसी, वैकेंट स्पेस, तो एड्जॉर्प्शन की प्रक्रिया रुक जाएगी। इफ़ इट इज़ द मोनोलेयर मल्टीलेयर करोगे तो उस समय आपको देखना पड़ेगा किस एक्सटेंट तक पॉसिबिलिटी है। तो हाई प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन टेंस टू अचीव अ लिमिटिंग वैल्यू। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर को आपको दो तीन तरीके से देखना होगा, कि लो टेम्परेचर पर प्रेशर क्या इफेक्ट होगा, हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर। क्लियर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि इसको हम जरा सा ग्राफिकली देखें। मान लो यहाँ पर एक ग्राफ है आपको, नाइट्रोजन एड्जॉर्ब्ड इन ml y एक्सिस पर है, और प्रेशर देखो आप इन सेंटीमीटर ऑफ Hg, मर्क्यूरी के हाइट के कॉलम के रिस्पेक्ट में यूनिट हमने यूज़ किया है। जस्ट सी हियर कि जब प्रेशर 20 है सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और जब प्रेशर 40 है, और जब प्रेशर 60 है, व्हाट इज़ हैपनिंग। प्रेशर जब बहुत लो रहता है, और टेम्परेचर देखो क्या है, प्रेशर इज़ लो, टेम्परेचर इज़ लो नियर अबाउट 83 केल्विन और -190 डिग्री सेल्सियस, तो अब देखो क्या है, आप लीनियर लाइन आपको मिल रही है, यानी लो प्रेशर लो टेम्परेचर पर जो रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रोपोर्शनल है, लीनियर है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर। जैसे जैसे आपने प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, और कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, ये लाइन आपको क्या हो रहा है, पाराबोला थोड़ा कर्व रूप ले रहा है, और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, कर्व होता चला गया, फाइनली आप यहाँ देखो ये सैचुरेशन लाइन आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये अलग अलग टेम्परेचर पर आप देख रहे हो,
हाइयर टेम्परेचर पे आप देखो, हाइयर टेम्परेचर पर एडसॉर्प्शन क्या है, लो है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर जब टेम्परेचर 273 केल्विन है तो हाईएस्ट आपका एडसॉर्प्शन का जो लाइनिंग है वो कहाँ जा रहा है, इट इज जस्ट नियर टू द, आप देखो ये आपको यहाँ से इस पॉइंट तक यानी 20 ml के आसपास है, लेकिन वही आपको प्रेशर जब 195 था तो मैक्सिमम जो आपको लाइन गया यहाँ तक गया है, इज इट क्लियर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ क्या आ रहा है, सेचुरेशन आ रहा है, इज इट क्लियर। ओके आगे बढ़े, नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज गोइंग टू बी डिस्कस टूडे। टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों क्या होता है, अब आप सोचो एडजॉर्प्शन अकम्पेंड बाई इवोल्यूशन ऑफ हीट, हमने पहले ही पढ़ा था कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जब भी एडजॉर्प्शन होता है तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल है उनकी सरफेस एनर्जी हायर होती है, एडजॉर्प्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, निगेटिव आती है एज पर ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल मैग्नीट्यूड ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करेगा। इसको बहुत सिंपल शब्दों में बच्चों आप ऐसे समझ लो कि अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड है और अगर आपने हीट सप्लाई कर दी, टेम्परेचर बढ़ा दी, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, वो सरफेस पर छोड़ के चले जाएंगे, क्यों, तो सरफेस फिनोमेनन है ना, दे आर एट द सरफेस, तो आसानी से वो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस इज कॉल्ड हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, दैट डेफिनेशन इज ऑलरेडी डिस्कस इन माई प्रीवियस सेशन। नाउ द मेन टॉपिक दैट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, अब इसके ऊपर हम लोग आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, वॉट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये क्या है, आइसोथर्म मीन्स वॉट, फिक्स टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अ मैथमेटिकल इक्वेशन विच डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन प्रेशर पी ऑफ द गैसियस एडजॉर्बेट एंड द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि जो गैसियस एडजॉर्बेट है जिसका अपना प्रेशर पी है और उसका जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो कितना एडजॉर्ब हो रहा है उसके मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन मिलेगा कॉल एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इज इट क्लियर। जैसे मान लो x ग्राम किसी एडजॉर्बेट का, x ग्राम क्या है, किसी एडजॉर्बेट का एडजॉर्ब्ड होता है ऑन m ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, यानी जो हमारा गैसियस कंपोनेंट है उसका हमने कितना लिया, x ग्राम, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ आपको कि मान लो ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, इसको हमने कहा एडजॉर्बेंट, बहुत आराम से समझिए, सिंपल कॉन्स्टेंट है, इस पर यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आकर एडजॉर्ब्ड हो गए, ठीक है ना। जब मॉलिक्यूल बच्चों इसके ऊपर एडजॉर्ब हुआ तो जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए उसको एक्स ग्राम और इसका जो मास था जिसके ऊपर एडजॉर्ब्ड हुए वो एम ग्राम था, ठीक है ना। तो एक्स इज द मास ऑफ एडजॉर्बेट एंड एम इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट, इज इट क्लियर। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, इट इज एक्स बाई एम, अगली बात समझ में। तो यहां पर वही मैं बता रहा हूं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू एक्स बाई एम, अब एक्स इज द मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, एम इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। नाउ लुक एट हियर, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हु वॉज द फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच कौन थे, हर्बर्ट फ्रेंडलिच, उनका नाम जो था हर्बर्ट फ्रेंडलिच, और इन्होंने ही एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के बारे में जो मैथमेटिकल इक्वेशन दिया जो कि हमें रिलेशन बताता है किसके बारे में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड द प्रेशर ऑफ एडजॉर्बेट गैसियस मॉलिक्यूल। तो उन्होंने 1909 में कहा, एक इम्पेरिकल रिलेशनशिप दिया बिटवीन, किसके बीच में, क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब
बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड, जो कि क्वांटिटी ऑफ गैस आपने किसको कहा था, एक्स ग्राम कहा था, और यूनिट मास के लिए आपने एम ग्राम से डिवाइड किया था, और किससे रिलेट किया था, प्रेशर से एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, चूंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, दैट इज आइसोथर्म। और इसको हम किस रिलेशन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एक्स बाई एम इज इक्वल टू के, मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक, एक्स बाई एम फ्रेंड इज इक्वल टू के इन टू पी रेज टू द पावर 1/n। माई डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन विच इज गिवेन बाय फ्रेंडलिच, और फ्रेंडलिच ने जब इसको दिया था तो ये रिलेशन क्या है, ये है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और पी के बीच में रिलेशन, और पावर रेज टू द पावर 1/n, जहाँ के और एन क्या है, वो कॉन्स्टेंट है। तो जरा हम इसको और आगे डिस्कस करते हैं। अब आप दोनों तरफ लॉग ले लो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप दोनों तरफ लॉग लेगे तो इधर हो जाएगा लॉग एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के इंटू पी 1/n। अब नाउ इट इज़ इक्वल टू लॉग, चूंकि मल्टीप्लीकेशन है तो इट विल बी लॉग के प्लस लॉग पी रेज टू द पावर 1/n। इट मीन्स नाउ लॉग एक्स बाई एम लॉग के प्लस, अब इसको कैसे लिखोगे, 1/n लॉग पी। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, क्लियर। इसको इस तरीके से लिख दिया। द रिलेशन इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, इसको ध्यान से जरा देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों समझने के लिए। यहाँ पर x एक्सिस पे प्रेशर है और y एक्सिस पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज x बाई m, ठीक है ना। अब आप जरा देखो, जब टेम्परेचर 273 केल्विन था तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि टेम्परेचर जब हाई है तो हमारा ये जो प्रेशर इंक्रीज होने से एक्सटेंट ऑफ एडजस्टमेंट कुछ समय के लिए लीनियर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कर्व का रूप लेके सेचुरेशन आ जाता है। जब आपने फिर से थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, यानी 244 केल्विन पे देखा, तो क्या देखा आपने कि टेम्परेचर जब थोड़ा सा कम किया, 273 से इसको कम किया, टेम्परेचर जब कम था उस समय प्रेशर इंक्रीज करने पर फाइनली जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है, आफ्टर प्रेशर बढ़ता गया और बढ़ता गया, फिर सेचुरेशन आ गया। जब टेम्परेचर और कम था तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा हाई था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं ये ग्राफ क्या कहता है। पहली बात, एट लो प्रेशर, प्रेशर लो का मतलब है इस सिचुएशन में देखो, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन वेरीज लीनियरली। यहाँ पर क्या है, जब प्रेशर कम है, बहुत ध्यान से बच्चो समझो, प्रेशर कम है तो ये लाइन तीनों क्या है, यहाँ पे लीनियर की तरह दिख रहा है। तो लीनियर लाइन का मतलब क्या हो गया कि जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है x बाई एम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी टू द पावर 1 के, जो कब, जब प्रेशर लो है। नाउ एट हाई प्रेशर, जब आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इधर आ गए, इस पॉइंट पर आ जाओ, मान लो बी की तरफ आ जाओ, तो सब में क्या आ रहा है, सेचुरेशन आ रहा है ना, स्ट्रेट लाइन आ जा रहा है हाई प्रेशर पर। सेचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 0। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों इस बात को, क्लियर। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी रेज टू द पावर 1, हाई प्रेशर पर पी रेज टू द पावर 0। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुछ तो कंक्लूजन निकलेगा, इसका मतलब हो गया कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है, यानी कि जो हमारा 1/n की जो वैल्यू है वो कैसे बढ़ रही है, 1/n की वैल्यू 1 से धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि x बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 1/n। लो प्रेशर पे आप क्या कहते हो कि पी रेज टू द पावर क्या है, 1 है, यानी कि 1/n की वैल्यू क्या होगी, 1। हाई प्रेशर पे आप क्या कहते हो, पी रेज टू द पावर 0, इसका मतलब है कि 1/n की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो 1 से आप किसकी तरफ जा रहे हो, 0 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब हो गया कि मॉडरेट प्रेशर पे, यानी कि जो बीच का रेंज है, इस मॉडरेट प्रेशर पर x by m is proportional to p raised to the power 1/n. Is it clear? यानी हम इसको अलग से पर ग्राफ को अगर हम दूसरी जगह बनाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ग्राफ इस तरीके से बनाया जाए, x by m
यहाँ पर पी है, कर्व अगर हम इस तरह से ले जाएं, ये कर्व धीरे धीरे सेचुरेशन पे आ जाएगा। तो इनिशियल ये जो लाइन है यहाँ पर जो है एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी, इस पर्टिकुलर रेंज में एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू द पावर 1/n, और यहाँ पर हाई प्रेशर की तरफ एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी टू द पावर 0, जो कि हमारा सेचुरेशन का केस है। यहाँ पर नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब चाहे आप जितना प्रेशर बढ़ा लो कुछ भी होना नहीं है एडसॉर्प्शन के लिए हायर प्रेशर पर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है सरफेस है वो ऑक्यूपाइड हो चुका होगा। यहाँ तक समझ में बच्चों आप सबको आ रहा है ना? क्लियर है? तो अब यहाँ से आप देखो क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो 1/n की जो वैल्यू है वो किस तरीके से वेरी करती है। 1/n की वैल्यू 1 से 0 की तरफ वेरी करती है, 1 to 0 होता है, ठीक है ना। और जो n की वैल्यू होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 1/n की वैल्यू 1 to 0 होती है, यानी कहने का मतलब है कि जब प्रेशर लो होगा, आप कह सकते हो लो प्रेशर, तो 1/n की वैल्यू क्या होगी 1, हाई प्रेशर तो 1/n की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम सिर्फ n की बात करें तो लो प्रेशर पे n की वैल्यू क्या होगी 1, लाने के लिए क्या n की वैल्यू आपको क्या होनी चाहिए 1, और हाई प्रेशर पर 1/n की वैल्यू 0 लाने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए इन्फिनिटी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना कि फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म में अगर 1/n की वैल्यू की बात की जाए तो ये 1 से 0 की तक के बीच में वेरी करता है, जबकि n की वैल्यू 1 to infinity तक होती है। क्यों? जो मैंने यहाँ पर बताया। आगे बात समझ में ना? क्लियर? तो वैल्यू ऑफ n पूछा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ 1/n पूछा जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो वैल्यू ऑफ n जो होता है वो 1 to infinity होता है, और वैल्यू ऑफ 1/n जो होता है वो 1 to 0 होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो दिस वॉज द डिस्कस्ड बाई मी एंड इट इज़ अगेन सोन हियर लीनियर, जो मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाया था। तो 1/n की वैल्यू 0 to 1 में होगी, 1/n 0, ये आपको अभी हमने सब कुछ समझा दिया है, तो यहाँ पे ऑलरेडी रिटन है। तो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p इन द केस व्हेन द प्रेशर इज लो, जब प्रेशर जो लो होगा बच्चों तभी ये होगा। अब हम जरा सा बात कर लेते हैं जो हमने लॉग की बात। नाउ सी माय डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या इक्वेशन लिखा? आपने लिखा था log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। जरा से इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करें तो y इज इक्वल टू c प्लस mx हो जाएगी, नहीं इससे टैली करो, y इज इक्वल टू c प्लस mx हुआ। इज इट क्लियर? अब अगर आप जरा सोचो, जब ये ग्राफ आप बनाते हो तो y एक्सिस पे आपका क्या है? y एक्सिस यहाँ पर डिनोट किसको करता है? log x/m को, यानी x/m क्या है आपका? y है। कांस्टेंट की जो वैल्यू है log k है, ये इंटरसेप्ट दैट इज c, और mx, नाउ x इज द वेरिएबल, m इज द स्लोप, तो यहाँ पर आपका क्या है? log p जो है वो आपको x हो गया, और 1/n क्या हो गया? n m हो गया। तो 1/n जो है आपका जो स्लोप है दैट इज 1/n, ये स्लोप आपका क्या हो गया? 1/n। क्लियर? तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इंटरसेप्ट इज log k, स्लोप इज 1/n, और y इज इक्वल टू c प्लस mx जो है आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ इक्वेशन है, जिससे हमने इसको कंपेयर कर दिया। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, तो एडसॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की जरा सा बात कर ले। सॉल्यूशन फेज में अगर आप ऐसा देखो तो क्या होगा? सॉलिड सरफेस एडसॉर्ब सॉल्यूट्स फ्रॉम सॉल्यूशन, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कलरलेस MgOH2 को अगर आप ले लो, और जब इसको प्रेसिपिटेट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेसोन रिएजेंट, एक जो ब्लू कलर का डाई होता है तो एक्वायर्स ब्लू कलर्स बिकॉज द डाई इज एडसॉर्ब ऑन द सॉलिड प्रेसिपिटेट, ये जाके उसके सरफेस पे MgOH2 जो के सरफेस पे जो कलरलेस है वो एडजॉर्ब हो जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है।
इसी तरह से कि इसे आप देख सकते हो, लिटमस सॉल्यूशन इज सेकेंड विद चारकोल, इट बिकम्स कलरलेस बिकॉज द डाई फ्रॉम लिटमस सॉल्यूशन इज एडजॉर्ब बाई चारकोल. चारकोल क्या करता है, लिटमस सॉल्यूशन के कलर को एडजॉर्ब कर लेता है. तो इन द केस ऑफ एडजॉर्प्शन व्हाट कैन यू से, सॉल्यूशन फेज में जो इंपॉर्टेंट बच्चों बातें हैं, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. ऑब्वियसली जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज करता है. द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ सर्फेस एरिया, वही है, सर्फेस एरिया ज़्यादा होगी, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है पॉइंट्स में. द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, उसके कंसनट्रेशन पर डिपेंड करता है. सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा सॉलिड सर्फेस के ऊपर. द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट. कॉमन सी बात है कि अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में किस तरीके से वहाँ पे बॉन्डिंग होगी, कि वनडरवाल फोर्स कैसा जनरेट होगा, उसके सरफेस रफनेस है कि नहीं है, पोरस है कि नहीं, उन सब पर डिपेंड करता है. माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द फोर पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट. और अगर आप इसको कंपेयर करना चाहो, जो अभी आपने फ्रेंडली से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म से पढ़ा, तो मान ली सी किससे कंपेयर हो रहा है, चेंज हो रहा है, पी रेज टू द पावर 1/n था, जिट क्लियर, तो उसकी जगह पे क्या आ गया, सी आ गया. ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आई हैव गिवन हियर, सो ट्राई इट. इसको बच्चों आप करने का प्रयास करेंगे और आप 100% इसको कर सकते हैं. सो नाउ 30 मिनट्स इज ओवर एंड आई एम कम्प्लीटिंग माई सेशन हियर. आई होप दैट टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एट द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, दैट इज द नेचर ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट, सर्फेस एरिया, प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्पेशली इन केस ऑफ टेम्परेचर, दैट इज द एडजॉर्प्शन आइसोथर. एक बात आई थी क्रिटिकल टेम्परेचर की, जिसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है बच्चों, मिनिमम टेम्परेचर होता है जो गैस को लिक्विफाई करने के लिए चाहिए, यानी उस टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाइड होना शुरू होता है. अगर कोई गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई हो तो ऑब्वियसली उसको लिक्विफाइड होने में उसके लिए जो है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा. हैविंग मोर क्रिटिकल टेम्परेचर इजली लिक्विफाइड है. तो ये सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, पढ़िए, और डाउट्स हो तो उसको ज़रूर पूछिए, ठीक है ना. तो इसके साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है.